हार्दिक की कप्तानी से होगा वर्ल्ड कप का प्लान तैयार। ये तीन खिलाड़ी बनाएंगे टीम इंडिया को चैंपियन। इंग्लैंड में मिलेंगे भारत को तीन सूरमा। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली सीरीज खेल ली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज 2-2 से बराबर रही और अब भारत आयरलैंड दौरे पर पहुंच गई है, जहां सबसे पहले टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैच खेलेगी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच खेलेगी। इस दौरे से भारत को अपनी T20 की वो टीम मिलेगी जो उन्हें वर्ल्ड कप जिताने वाली है। साथ ही इस दौरे से भारत को तीन धाकड़ खिलाड़ी ऐसे मिल सकते हैं जो टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत की इबारत लिखेंगे, क्योंकि इन तीन खिलाड़ियों के पास वो दमखम है जो भारत को अकेले मैच जिता सकता है। लेकिन इन तीन खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी, क्योंकि यहां इन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो भारतीय टीम के लिए कितने जरूरी हैं। ईशान किशन, जी हाँ सही सुना आपने, ईशान किशन। इस खिलाड़ी का IPL 2022 बेहद ही खराब गया था, लेकिन जैसे ही ये नीली जर्सी पहना मानो इसने रन बनाना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में इस खिलाड़ी ने जमकर रन बनाए और जमकर गेंदबाजों की धज्जियां भी उड़ाई। ऐसे में टीम इंडिया इस खिलाड़ी को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच में जरूर आजमाएगी। KL राहुल इस दौरे पर टीम इंडिया के साथ नहीं है, तो ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। आयरलैंड के खिलाफ तो रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, जहां इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ये टीम को जीत दिलाए। ऐसे में ईशान किशन इस दौरे में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को चैंपियन तो बनाना चाहेंगे ही, साथ ही दरवाजा खटखटाएंगे कि वो भी वर्ल्ड कप की टीम में दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और अगर वो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं तो टीम को एक धुआंधार शुरुआत मिल सकती है। ईशान किशन हर गेंद पर छक्का लगाने की काबिलियत रखते हैं और भारत जिस तरीके से नए T20 टेम्पलेट को देख रहा है, उन्हें ईशान किशन जैसे ही बल्लेबाज की जरूरत भी है। दिनेश कार्तिक, जी हाँ दिनेश कार्तिक। वो दिनेश कार्तिक, उन्होंने जिस तरीके से 37 साल की उम्र में टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया और फिर एंट्री मारी, उससे हर कोई उनका मुरीद बन गया है। दिनेश कार्तिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मैच में कमाल की बल्लेबाजी की और अपने T20 करियर की पहली हाफ सेंचुरी भी जड़ी, जिसके बाद हर कोई यही मान रहा है कि ये खिलाड़ी भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में जरूर खेलना चाहिए। ऐसे में दिनेश कार्तिक के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज बेहद ही अहम होने वाली है, क्योंकि यहां उन्हें मौके मिलने पर उन्हें भुनाना होगा और बताना होगा कि वो ही T20 वर्ल्ड कप के असली दावेदार हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है जो ऋषभ पंत को पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत तो अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, तो दिनेश कार्तिक इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। हार्दिक पांड्या एक समय इंजरी के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन IPL 2022 में उन्होंने अपने कमाल के प्रदर्शन से दरवाजा खटखटाया ही नहीं, दरवाजा तोड़ दिया और टीम इंडिया में एंट्री मारी। टीम इंडिया के लिए वो कमाल की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फिनिशर का रोल निभाया, वो काबिले तारीफ है। ऐसे में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि वो शानदार प्रदर्शन करे और अपने परफॉर्मेंस को एक लेवल और ऊपर लेके जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया को बेहद ही जरूरत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के रूप में भारत के पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जो आने वाले समय में टीम इंडिया को ना सिर्फ वर्ल्ड कप जिताएगा बल्कि और भी कई बड़े मुकाबलों में बड़ी बड़ी जीत दिलाया करेगा। तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के वो तीन खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए धुआंधार प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन तीन खिलाड़ियों में काबिलियत है जो भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।